दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अर्हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस, करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐकारं बिन्दुसंयुक्तम्
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के अंतर्गत आन्वीक्षिकी समुद्देश नाम का जो अध्याय है उसके माध्यम से हमें दुख और सुख के विषय में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। दुख और सुख की परिभाषा लक्षण बताने के बाद दुख के चार प्रकार बताए थे कि दुख चार प्रकार का होता है। मनुष्यों के लिए ये विशेष रूप से दुख के चार भेद बताए गए। जो पहला भेद सहज था, दूसरा दोसज भेद था और तीसरा आगंतुक। ये तीन प्रकार के दुखों का वर्णन कल हो गया था। समझो चौथा भेद और आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है अंतरंग। क्या नाम है? अंतरंगम, यानी अंतरंग से उत्पन्न होने वाला वह अंतरंगजम कहलाएगा। जा और लग जाता है तो वह अंतरंग से उत्पन्न होने वाला दुख कहलाता है। इसी को आगे के सूत्र में कहा जा रहा है, न्यक्कारा विज्ञा इच्छा विघात आदि समुत्पन्नम अंतरंगजम, है ना। ये अंतरंग से उत्पन्न हुए दुखों के बारे में बताया जा रहा है। एक दुख तो वह थे जो हमारे शरीर के साथ साथ मन के साथ साथ निरंतर चल रहे थे, है ना। सुख और दुख का यह परिवर्तन चलता रहता है और यह दुख भी जो सहज रूप में होता है या कभी सुख के रूप में भी आ जाता है, कभी दुख के रूप में भी आ जाता है, लेकिन वास्तव में यह दुख ही कहलाएगा। क्योंकि दुख उत्पन्न जो हुआ है उसको थोड़ा सा यह शमन कर देता है और थोड़ी देर के लिए ये दुख का शमन जब हो जाता है तो थोड़ा सा सुख लगता है, लेकिन वस्तुतः वह पुनः फिर दुख का कारण बनता है। इसलिए वह दुख की परंपरा निरंतर बनी रहने के कारण से यह दुख ही कहलाता है। तो जो भी भूख प्यास आदि और अपने मन में उत्पन्न होने वाले कसाय आदि से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं, ये सभी दुख भी सहज दुख कहलाते हैं। सहज दुख के बाद में फिर एक दोसज दुख भी बताया गया जो वात पित्त और कफ की विषमता से उत्पन्न होते हैं। ये दोषों से उत्पन्न होने वाले दुख हैं, ये बाद में भी उत्पन्न हो जाते हैं। जन्म से ना भी हो तो भी ये बाद में दुख उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये और आगे के दुख हो जाते हैं। फिर इससे भी आगे के दुख कुछ प्राकृतिक प्रकोपों के कारण से उत्पन्न होते हैं, जिसमें अत्यधिक वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि के कारण से दुख उत्पन्न होते हैं, वो आगंतुक दुख कहलाते हैं। और इन्हीं आगंतुक दुखों के बाद में कुछ और अंतरंग में दुख उत्पन्न होने लग जाते हैं। ये ऐसे दुख होते हैं
जो बाहर से कम भीतर से ज़्यादा महसूस होते हैं। ये जो दुख आपको तीन तरह के बताए थे उनमें एक सहज दुख को छोड़कर के बाकी के जो दुख हैं वह बाहर से दिखाई देने वाले भी दुख होते हैं। जैसे आगंतुक दुख है, ये आपको बाहर से दिखाई देता है। जब आपके लिए सामने कोई तीव्र कोई प्रकृति का उपद्रव होता है तो उस समय पर जो दुख उत्पन्न होता है वह आगंतुक दुख के रूप में हमें बाहर से भी दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, ये सब जो है आगंतुक दुख के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसी तरीके से दोषज दुख भी हमें दिखाई देते हैं जब शरीर में रोग आदि हो जाते हैं, तो ये शरीर में होने वाले रोग हैं ये भी हमें दिखाई देते हैं। और जो भूख प्यास है और अंतरंग का जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम क्रोध आदि भाव है, ये जो मन में उत्पन्न होता रहता है, ये दुख दिखाई नहीं देता, ये सहज दुख है। तो अब हम यहाँ पर ये समझें कि इन चार दुखों में से हमें दो दुख दिखाई नहीं देते और दो दुख बाहर दिखाई देते हैं। सहज दुख भी हमें दिखाई नहीं देता, दुख दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम उस दुख का प्रतिकार करते हैं तो वो हमारी समझ में आता है। भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या किसी और तरह से गुस्सा आदि कर रहे हैं, ये हमें दिखाई देता है, लेकिन जो भीतर भीतर हमारे अंदर दुख रहता है वो दिखाई नहीं देता। तो सहज दुख भी दिखाई नहीं देता और एक जो अंतरंग में उत्पन्न होने वाला दुख है ये दुख भी दिखाई नहीं देता। बाकी के दोनों दुख दिखाई देते हैं, दोषज दुख और आगंतुक दुख, ये दोनों दुख दिखाई देते हैं। अब जो दिखाई नहीं देते हैं उन दुखों में भी अगर हम कंपेयर करें तो सहज दुख तो फिर भी हमें प्रतिकार के रूप में दिखाई दे जाता है, लेकिन जो ये अंतरंग में उत्पन्न हुआ दुख है ये हमें बिल्कुल भी भीतर ही भीतर रहता है और ये बाहर हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। क्या समझ आया? सहज दुख भीतर रहता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका हम प्रतिकार करते हैं किसी रूप में तो वो देखने में आ जाता है। ये जो अंतरंग का दुख है ये विचित्र प्रकार का दुख है, ये भीतर ही भीतर रहता है और ये बाहर बहुत अंत में जाकर के देखने को आता है जब कुछ बहुत बड़ी परेशानी सामने आ जाए। इसका प्रतिकार आसानी से नहीं होता। जैसे आपके लिए भूख प्यास का प्रतिकार प्रतिदिन देखने में आता है, दुख आपके लिए होता है और उसका प्रतिकार भी देखने में आ जाता है, लेकिन वास्तव में जो भीतर दुख है वो दुख तो भीतर ही रहता है। इसी तरह से आपके अंदर कोई भी मानसिक भाव उत्पन्न होते हैं, मानसिक क्रोध आदि विचार उत्पन्न होते हैं, वो भी आपके द्वारा देखने में आ जाते हैं, वो भी आप समझ सकते हो, उनका भी हम प्रतिकार कर लेते हैं। भाई गुस्सा हो रहा है तो कर ले ना, कब तक रखे रहेगा, तो आदमी कर भी लेता है। किसी के लिए कुछ कहना है, बोलना है, ईर्ष्या हो रही, डाह हो रही है, तो वो कहने में कुछ ना कुछ आ ही जाती है, तो वह उसका प्रतिकार दिख जाता है। दुख भीतर होता है लेकिन उसका प्रतिकार हमें बाहर से देखने में आ जाता है, ये सहज दुख की विशेषता है। और आदमी इसको करके भी थोड़ा संतोष हो जाता है। अगर किसी को लिए चार बातें कुछ उसे सुनाना है और वो सुनाने का उसे मौका नहीं मिल रहा है, और जिस दिन उसे मौका मिल जाता है तो वो सुनाने के बाद में थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, थोड़ा उसको शांति मिल जाती है, तो वो प्रतिकार करने के बाद में दुख से थोड़ी सी शांति का भाव मिल जाना ये देखने में आ जाता है, इसी का नाम है सहज दुख। लेकिन ये रहता कहाँ है? या तो शरीर के भीतर रहेगा या मन के भीतर रहेगा। सहज दुख कहां रहता है? अब शरीर के भीतर भी क्या है, बाहर नहीं है, शरीर के भीतर। भूख कहां है? पेट के भीतर। प्यास कहां है? कंठ के भीतर। इसी तरीके से भीतर किसी से गुस्सा है, कोई काम भाव है या कोई इच्छा है, वो जो है कहां है? तो वो मन के भीतर। तो शरीर के भीतर या मन के भीतर ये जो दुख रहता है, इस दुख का हम प्रतिकार भी कर लेते हैं और ये प्रतिकार करने में भी समाज में बुरा नहीं माना जाता है ना। ये एक तरीके से
समाज में इसका प्रतिकार करना कोई इसको बुरा नहीं मानता है। भूख प्यास का प्रतिकार करना भी अच्छा माना जाता है। सब लोग खूब खाते हैं, खूब खिलाते हैं, है ना, हम भी खा रहे हैं, तुम भी खाओ, हमारे घर पे भी खाओ, फिर जब हम तुम्हारे घर पे आए तो हमें भी खिलाना। इस तरीके से खाने खिलाने का, पीने पिलाने का क्रम चलता रहता है और इसका कोई बुरा नहीं मानता है, है ना। दूसरी बात, इच्छा पूर्ति का भी किसी भी तरीके से, काम आदि इच्छाएं, क्रोध आदि इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं, इनका भी प्रतिकार समाज में बुरा नहीं माना जाता। भाई गुस्सा करता है, अरे थोड़ा गुस्सा तो सभी को आता है, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई आदमी गुस्सा ना करता हो। तो गुस्सा करना भी वाजिब है, लड़ना झगड़ना भी थोड़ा वाजिब है, ईर्ष्या करना भी वाजिब है, अपने भीतर अहंकार रखना भी वाजिब है, है ना, मान सम्मान की इच्छा रखना भी वाजिब है, सब चलता है। ये सब सहजता में हर प्राणी भीतर अपने अंदर ये दुख लेकर के आया है और इन दुखों का प्रतिकार वह जिस किसी भी रूप में कर लेता है वह भी समाज में मान्य है। कहने का मतलब यह है, ऐसा नहीं होता है कि इसको कोई बहुत बुरा मान करके उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए, समाज से बाहर निकाल दिया जाए, अपराध नहीं माना जाता। आ रहा समझ में? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये सहज दुख की बात कर रहे हैं। सहज दुख का प्रतिकार भी हम सहजता से करते रहते हैं। क्या कहा? सहज दुख का प्रतिकार भी हम सहजता से करते रहते हैं, माने सहज दुख का प्रतिकार भी सहज है। सहज का मतलब जो दूसरा होता है आसान, यानी सहज दुख हमारे लिए आसानी से दूर करने की विधि बताई जाती है और हम उसको करते रहते हैं। खाना पीना, गुस्सा करना, ये सब सहजता से चलता रहता है और बच्चे भी आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हुए भी प्रसन्नता से दुख भी करते रहते हैं और दुख का प्रतिकार भी करते रहते हैं। इसलिए सहज दुख का प्रतिकार करना भी सहज होता है। अब इस सहज दुख के भाव को समझने के बाद में हम अंतरंग दुख की बात समझ पाएंगे। इतनी भूमिका आपको समझ में आ रही है? चार प्रकार के दुखों में, पुनः रिवाइज कर देता हूं क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए अच्छा जो क्लास टीचर होता है वो एक बात को चार बार भी रिवाइज करता है तभी जाकर के मंदबुद्धि लोगों को कुछ समझ आता है, है ना। एक वो होता है भाई प्रोफेसर फर्राटे से अपना लेक्चर देकर के चला गया, जिसको जो समझ में आए ना आए हमें क्या लेना देना है, एक वो तरीका होता है। बोलो कौन सा तरीका पसंद है? है एक क्लास टीचर वाला एक भाव होता है और एक प्रोफेसर भाव होता है, है ना। तो वो प्रोफेसर वाला भाव तो अभी आपके लिए कठिन पड़ जाएगा, है? समझ में अच्छे ढंग से आने के लिए हमें बार बार भी कई बात कहनी पड़ती है और अध्यात्म विद्या की ये विशेषता बताई गई है शास्त्रों में कि अध्यात्म की भावना को बार बार बताना चाहिए और बार बार कहना चाहिए और बार बार बहाना चाहिए। क्या सुना? एक ही सांस में तीन बातें बोल गया मैं? हाँ, फिर बाद में याद नहीं रहेगा आपको। अध्यात्म की विद्या को बार बार कहना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और बार बार बहाना चाहिए। क्या समझ में आया? बार बार बहाना, बहाना माने उसकी भावना भी हमें बार बार करना चाहिए। इसलिए कभी आप अगर अध्यात्म शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उसी उसी बात को बार बार कहा जा रहा है। शब्द बदल जाते हैं लेकिन भाव जो है वही रहते हैं। पूरा समयसार आप पढ़ लोगे, उसमें राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, मोह नहीं करो, इसके अलावा और कोई सार नहीं उसका। समझ आ रहा है? और इतना मोटा समयसार है और सार उसका क्या है? आत्मा की अपनी एकत्व परिणति में लीन रहो, राग द्वेष मोह में मन मत पड़ो, बस ये उसका सार है। और यही चीज बार बार रिपीट की जाती है लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये यही चीज बार बार कही जा रही, लेकिन उसका जब हम सारांश निकालते हैं तो यही निकलता है। समझ आ रहा है? तो अध्यात्म में बार बार किसी चीज को कहना बुरा नहीं माना जाता है, है ना। चूंकि अध्यात्म विद्या की बात है इसलिए मैं आपसे फिर से रिवाइज करवाना चाह रहा था। चार प्रकार के दुखों में
दो दुख तो बाहरी हैं, हमें दिखाई देते हैं, कौन कौन से? दोसज और आगंतुक, ये हमें दिखाई दे जाते हैं भाई। रोग हो गया दिखाई दे जाएगा, बुखार आ रहा है आदमी को दिखाई दे जाएगा, जुकाम हो रहा है दिखाई दे जाएगा, कराह रहा है दिखाई दे जाएगा, इसको शारीरिक दुख है ना। आगंतुक दुख आते हैं ये भी सबको दिखाई दे जाते हैं। अब जो दो प्रकार के दुख हैं उनमें सहज दुख और अंतरंग दुख, ये दोनों भीतर हैं, लेकिन सहज दुख का प्रतिकार बनता है और वो समाज में प्रतिकार उसका अच्छा माना जाता है, वह सहज दुख भी सहजता से प्रतिकार करने योग्य है। अंतरंग दुख क्या है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये समझने की चीज है। अंतरंग दुख में सबसे पहले यहां पर लिखा है न्यक्कार का दुख। क्या कहा? न्यक्कार। अब न्यक्कार का मतलब अगर हम समझें, एक तरीके से नकार, न्यक्कार का क्या बनेगा अपनी भाषा में? नकारना। और नकारने का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को एक तरीके से नकार देना, निग्लेक्ट कर देना, समाज से ही उसको नकार देना, भाई ये समाज में रहने योग्य नहीं है, यहां तक कि शहर से भी नकार देना कि ये शहर में भी रहने योग्य नहीं है, तो कहां रहने योग्य है? इसे कहीं जेल में डाल दो, इसने इतना अपराध किया है, इसने वो गलत कार्य किया है, इसके अंदर का वह भाव इतना गलत था कि ये समाज में, घरों में या किसी भी तरह से शहर में भी रहने योग्य नहीं है, उसको नकार दिया। अब नकारने के बाद में उसे दुख तो मिलेगा, सामाजिक दृष्टिकोण से उसको नकार दिया गया, लेकिन भावनात्मक दृष्टिकोण से उसके भीतर जो नकारने का दुख उत्पन्न हुआ वह दुख उसके अंतरंग का दुख कहलाएगा, उसे अंतरंगज दुख कहेंगे। आ रहा है समझ में? अब यह दुख कैसे मिलेगा? जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध, समाज विरुद्ध, देश विरुद्ध, नीति विरुद्ध कार्य करेंगे उनको अंतरंग दुख की प्राप्ति होगी। अब उनका दुख भीतर भीतर रहेगा। किसी भी कैदी से जाकर के पूछो, मैं जब तिहाड़ जेल में गया तो मैंने बहुत सारी वहां पर अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से अलग अलग एज वाइज या अपराध वाइज भी अलग अलग वहां पर सेल रहती हैं, मतलब जेल रहती हैं। एक तिहाड़ जेल के अंदर वहां पर 200 तरह की वहां पर अलग अलग वो बने हुए हैं सेल, हाँ, और उनमें अलग अलग तरह के कैदी रहते हैं। तो हम वहां पर कम से कम दिन में, एक तो वहां पर आहार से पहले और आहार के बाद, हमने वहां पर 3-4 सेशन अटेंड किए, समझ आ रहा है? उसी तिहाड़ जेल की एक दूसरी ब्रांच है जो मंडोली जेल कहलाती है, उसमें तो वहां पर हमने आहार भी किया, उसी जेल के अंदर आहार हुआ, मंडोली जेल में ही आहार हुआ, समझ आ रहा है? और वहां पर आहार से पहले भी अलग अलग तरह के कैदियों के बीच में बैठा, और फिर आहार के बाद में भी अलग अलग तरह के कैदियों के बीच में गया, उन्हीं की सेल में ही गया। पहले तो कैदियों को अपने पास ही बुला लिया गया एक बार आहार से पहले, लेकिन वो भीड़ इतनी हो गई और जगह इतनी कम रही, फिर बाद में वहां के लोगों ने कहा, महाराज अब आपको हम अलग अलग कैदियों की उस जेल में ही ले चलते हैं और वहीं पर आपके लिए संबोधन दिलवाते हैं इनसे। तो वहां पर जाकर के हम जब अलग अलग कैदियों से मिले तो उनसे हम पूछते थे, भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या दुख है तुम्हें, सब तो अच्छा मिल रहा है आपको। मैं एक अच्छी बात बताता हूं, तिहाड़ जेल का ही वो एक ब्रांच है मंडोली जेल, लेकिन उस मंडोली जेल के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि आपको अपने घर में भी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेंगी इतनी उस मंडोली जेल के अंदर है, समझ आ रहा है? यानी कि वहां पर कूलर तक लगे हुए हैं, किनी किनी जेल की सेल में एसी तक भी लगे हुए हैं, और इतनी अच्छी नई जेल बनी है, नई बिल्डिंग बनी है, बिल्कुल बढ़िया, जैसे आप किसी थिएटर हॉल में पहुंचते हैं, किसी होटल में पहुंचते हैं, बढ़िया अच्छा फर्श, अच्छी सीढ़ियां, कहीं कोई गंदगी नहीं, और बढ़िया A to Z वहां पर व्यवस्था है, सब कुछ, खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। नेता लोग भी वहीं जाते हैं,
लेकिन बिना नेता वाले भी वहां पर पहुंचते हैं तो वो भी बड़े मजे में रहते हैं वहां पर। बाहर से आपको कोई दुख नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो सहज दुख हमें दिखाई देता है उस सहज दुख का प्रतिकार वहां पर सहज है। अब जब बाहर से आपको कोई दुख नहीं है तो फिर अब आपको दुख क्या बचा? अब हमने वहां पर उन अपराधियों से पूछा, 15 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चे भी वहां पर अपराधी के रूप में वहां थे एक जेल के अंदर, और वो सब इन्हीं तरह के कोई मर्डर केस में, कोई रेप केस में, इस तरीके से वहां पर आकर के वो वहां पर बंदी बने थे। अब हमने उनसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, सबके मुंह से एक ही बात निकलती, मुझे रिहाई चाहिए। क्या चाहिए? रिहाई चाहिए, माने हमें यहां से निकलना है। भैया क्या दिक्कत है, बढ़िया तो सब कुछ है। यहां तक कि वहां पर समय समय पर, जैसे गर्मी आदि पड़ रही है, अच्छे अच्छे फल फ्रूट भी वहां पर सर्व होते हैं, उनकी भी वहां व्यवस्था है। इतना तक मैंने वहां देखा उस जेल के अंदर, समझ आ रहा है? किसी को आम खाना है तो वो भी मिल जाएंगे, केला खाना है तो वो भी मिल जाएंगे, यहां तक भी होता है। अब तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं, रिहाई चाहिए। यहां क्या नहीं है? यहां हम जो जेल के अंदर बंद हैं, हमें यही भाव बार बार रहता है कि हम यहां कैदी क्यों हैं? अपराध किया है वो देखने को नहीं आ रहा है, कितना संगीन अपराध है, कितना न्याय विरुद्ध नीति विरुद्ध अपराध है, उसकी उन्हें फीलिंग नहीं हो रही है। फीलिंग क्या हो रही है? हमें यहां से जल्दी से निकाल दिया जाए। कहना यह चाह रहा हूं, सहज दुख का सहज प्रतिकार संभव होने पर भी अंतरंग दुख ऐसा होता है जो आदमी को भीतर भीतर दुखी बनाए रखता है। यह कौन सा दुख है? यह नकारने का दुख है। समाज ने उनको नकार दिया, गांव के शहर के लोगों ने उन्हें नकार दिया, भाई ये लोग यहां रहने लायक नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है, इन्हें जेल में डाल दो। ये नकारने का जो उन्हें अंदर दुख मिला, हमारी लोगों ने अवहेलना कर दी, हमको समाज में इज्जत नहीं मिली, इस तरह का जो उनके लिए दुख पड़ गया, यह दुख कहलाएगा अंतरंग का दुख। कई लोगों के लिए कोई अपराध नहीं भी होता है तो भी उनके लिए अगर जेल हो जाती है तो भी उन्हें इस बात का दुख रहता है कि देखो हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा इज्जत पर बट्टा लग गया, आदमी जेल रह करके आया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी, हर आदमी के लिए लगता है, मेरी इज्जत पर एक दाग लग गया। ये जो नकारने का दुख है, इसी को अंतरंग दुख यहां पर कहा गया है। और यह दुख कभी कभी इतना बढ़ जाता है, छोटे से छोटा बच्चा भी, गांव का असभ्य से असभ्य व्यक्ति भी उस व्यक्ति के लिए गाली दे सकता है, उसको नकार सकता है, उसको बुरी दृष्टि से देख सकता है। ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनमें गांव के लोगों के माध्यम से फिर उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा उसको अपमानित किया जाता है, उसको कोई भी अच्छे ढंग से अच्छी निगाह से नहीं देखता, और अगर वो गांव में आ भी जाएगा तो भी हर गांव का व्यक्ति उसके लिए अपमानित दृष्टि से ही देखेगा उसको। ये जो उसके अंदर दुख आ गया, ये क्या है? ये अंतरंग का दुख है। बाहर से अच्छी ड्रेस पहने हुए होगा, सकल सूरत अच्छी होगी तो टिप टॉप भी दिखाई देगा, और खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी, धन आदि होगा तो सब सुविधाएं होंगी, लेकिन फिर भी अंतरंग में उसके लिए एक दुख का भाव बना रहता है। ये दुख बाहर देखने में नहीं आता है, ये अंतरंग का दुख है। कौन सा दुख? नकारने का दुख। ये अंतरंग दुख भी कई प्रकार का है। पहला कौन सा? नकारने का। दूसरा होता है अवज्ञा का दुख। क्या होता है? अवज्ञा का दुख, यानी ये नकारने से थोड़ा हल्का होता है। नकारने वाले दुख में तो उसके लिए किसी भी तरीके से तिरस्कार मिल जाता है, लेकिन अवज्ञा के दुख में उसे क्या होता है? अनादर मिलता है, आदर नहीं मिलता है, थोड़ा कम का दुख है। समझ आ रहा है?
आदर नहीं मिलना भी एक दुख है, अनादर नहीं हो रहा है लेकिन आदर नहीं हो रहा है, यह भी एक दुख होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चों की समझ में थोड़ा देर से आएगा, ये बड़ों की समझ में आने वाला दुख है। कोई कोई दुख ऐसे होते हैं जो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाते हैं, और कोई कोई दुख ऐसे होते हैं जो बड़ों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। अब देखो बच्चों में भी कैसे समझाया जा सकता है, मैं समझाता हूं आपको। देखो घर में दो बच्चे हैं, है ना, चाहे वो दो बेटे हो चाहे बेटा बेटी हो, कोई भी हो, दो बच्चे हैं, एक छोटा है तो एक बड़ा है, ये होता ही है, है? और कभी कभी जुड़वा भी हो तो भी अगर दो होते हैं तो क्या होता है? देखो मां ने एक बच्चे के लिए बार बार पुचकारा, है ना, बेटा आओ जल्दी भोजन कर लो, टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं, भोजन ठंडा हो रहा है, जल्दी कर लो, मां एक बच्चे से कह रही है और दूसरा देख रहा है कि मुझसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके लिए भी भोजन परोसा गया है, आ जाओ खा लो, लेकिन उसे मनाया नहीं जा रहा है बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? अपने आप उस दूसरे बच्चे को एक दुख भीतर से आने लगेगा, तुम्हारा तो वही लड़का है, वही प्यारो है, उसी का ख्याल रहता है, हम तो भूखे बैठे भी रहेंगे तो मनाया नहीं जाता, हमसे पूछा नहीं जाता, बस रख दी थाली, रख दी खा लो, खा लो तो खा लो, नहीं खा लो तो नहीं खा लो, और उसे बार बार कहा जाता है। समझ आ रहा है? अपने आप दूसरे बच्चे के अंदर एक दुख का भाव आने लगेगा। ये दुख कहां से आया? अनादर नहीं हो रहा उसका, मां उससे भी कह रही बेटा थाली लगी है भोजन कर ले, लेकिन दूसरे वाले बच्चे को मना रही है, पुचकार रही है, और वो नहीं खा रहा है तो उसको बार बार उसको अपनी गोदी में बिठा करके खिला रही है, और जो नहीं और जो दूसरा है पहले वाला है वो जो है केवल देख रहा है कि मुझे ऐसा नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए अनादर भी नहीं किया जा रहा है। अब उसके अंदर भीतर भीतर जो दुख पैदा होगा उसको क्या कहेंगे? अवज्ञा का दुख, अनादर का दुख। आ रहा है समझ में? ये बच्चों के साथ घटित होने वाला दुख हो गया। और बड़ों के साथ क्या होता है? एक सभा में बैठे हैं, है ना, या मान लो कहीं से कोई ग्रुप आता है नारियल चढ़ाने के लिए महाराज के पास में, कोई निवेदन करने के लिए, है ना, और उस ग्रुप में कोई बार अध्यक्ष होते हैं, मंत्री होते हैं, कुछ समाज के ऐसे विशिष्ट व्यक्ति भी होते हैं जो अध्यक्ष मंत्री ना भी हो लेकिन कुछ अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो अगर मान लो उनके सामाजिक कार्यों से कोई परिचित नहीं है और उनका नाम नहीं लिया गया और केवल अध्यक्ष मंत्री का नाम लिया गया और उनके साथ उनको भी बुला लिया गया, तो अनादर नहीं हुआ किसी का, सभी लोग आ जाइए ऐसा कहा गया, अध्यक्ष मंत्री का नाम ले लिया गया और कह दिया गया सब लोग आ जाइए, तो किसी किसी को लगता है यार ये नाम तो केवल अध्यक्ष और मंत्री का ही लिया जाता है, बाकी तो सब सभी लोगों में तो शामिल हो जाते हैं, नहीं समझे? अब सभी लोगों में सामान्य भी है कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति मान लो नगर सेठ है, कोई बहुत अच्छी कंपनी का मालिक भी है लेकिन अध्यक्ष मंत्री नहीं है, तो वो सभी लोगों में शामिल हो गया, तो उसके अंदर भी एक प्रकार से एक दुख पैदा हो जाएगा जिसे कहा जाएगा अवज्ञा का दुख। अब ये अवज्ञा जानबूझ के की नहीं गई, ना ये दुख उसके अंदर हो गया वो बाहर दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है, अध्यक्ष मंत्री का ही नाम सब जगह लिया जाता है, इसलिए वो सोचेगा अभी तक मैं बड़ा आदमी था, समाज का अध्यक्ष मंत्री नहीं था, अब की बार जरूर चुनाव होने पर समाज का अध्यक्ष मंत्री पद का दावेदार बनूंगा। समझ आ रहा है? इसलिए भी चुनाव करवाए जाते हैं, कई जगह चुनाव नहीं होते हैं तो जिन लोगों के अंदर इस तरीके का भीतर अंतरंग दुख होता है तो वो इस तरीके की फिर वो बात सामने ला करके रखते हैं, ये कैसी समाज है, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई चुनाव ही नहीं होते हैं, जो मंत्री बने वो मंत्री बने हैं, जो अध्यक्ष बने वो अध्यक्ष ही बने हैं,
तो वो जो बातें समाज में होने लग जाती हैं, ये अंतरंग दुख की ये अव्यक्ति इस तरह से है, समझ आ रहा है? बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिन लोगों के लिए ये अंतरंग दुख अभिव्यक्त हो रहा है, उन्हें इस कारण से कि अगर चुनाव हो तो हम भी तो दावेदार बने, जब दावेदार बनेंगे तो फिर कोई ना कोई वोटिंग उसकी होगी, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए भी वो सम्मान मिलेगा। तो ये जो सम्मान लेने की भावना आई, ये अंतरंग दुख के प्रतिकार के साथ आई, और ये बहुत होता है हर समाज के अंदर, ये बहुत चलने लगा है। खास तौर से जब से ये अवशेकों का ये सिस्टम बना है, इसमें भी बहुत ज्यादा लोगों को बहुत तरह से मानसिक दुख भी होने लगा है, समझ आ रहा है? उनका नाम तो आजीवन बोला जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मानसिक दुख है कई लोगों के लिए। पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, तब ये दुख नहीं थे, अब ये दुख पैदा कर दिए गए हैं। उस समय पर भीड़ तो थोड़ी ज्यादा लग जाती है, लेकिन उस भीड़ के कारण से बाद में लोगों के अंदर भी अनेक तरह के क्लेश देखने को मिलते हैं। ये ऐसे दुख हैं जो कोई कह नहीं सकता है, लेकिन रहते हैं भीतर। मैं कह रहा हूं, शायद ये भी गलती कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं कहूंगा तो फिर आपकी समझ में आएगा कैसे। ये अंतरंग दुख है, और ये मुझे कहीं कहीं महसूस होता है, मुझे अनुभव में आता है, ये देखने को मिलता है। लोग मेरे पास में जब किसी तरीके की ऐसी शिकायत लेकर के आते हैं, जब कभी ऐसी बात करते हैं, तो मुझे समझ आ जाता है ये व्यक्ति, समाज के बीच में ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनके भीतर ये बात है। उनका नाम तो आजीवन लिखा दिया गया मंदिर के पट पर, अब आजीवन भगवान के अभिषेक के समय पर उनका नाम तो बोलना ही है, बाकी दूसरे का नाम बोले या ना बोले, समझ आ रहा है? दूसरों के अंदर इस तरीके के अंतरंग में, हृदय में दुख पैदा हो जाते हैं, ये सब अंतरंग दुख हैं, ये कहने में नहीं आएंगे, सब जय जिनेन्द्र करेंगे, आपस में बैठेंगे, बोलचाल भी रहेगी, लेकिन भीतर से ये दुख भी बना रहेगा। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? है मान प्रतिष्ठा जब किसी दूसरे को किसी भी तरीके से दी जाने लगती है या मिलने लगती है, तो दूसरे व्यक्ति के अंतरंग में उससे दुख उत्पन्न होता है। अब ये व्यवस्थाएं आपके लिए बन गई हैं, अलग बात है, लेकिन ये व्यवस्थाएं भी कई बार दुख के कारण हो जाती हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी शिकायतें आती हैं, और इस तरह से लोग मुझसे जब दबी जवान में भी बात कर जाते हैं, तो मैं समझ लेता हूं ये इनके अंतरंग का दुख है। उनका नाम नहीं ले सकता, ना वो कभी अपने दुख को समाज के सामने कह सकते हैं, लेकिन हमसे किसी ना किसी टोन में वो कह जाते हैं, समझ आ रहा है? अब इस दुख का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके अंदर दुख है, आप जानो मैं क्या कर सकता हूं, ये सोच लेते समाज के लोग। लेकिन अगर ये दुख किसी कारणों से उत्पन्न हुआ है, तो हमें उन कारणों पर भी विचार करना चाहिए, और इस तरीके के दुख नहीं उत्पन्न हो, इस तरीके का भी हमारे सामने विचार आना चाहिए। समाज के अंदर एक समानता का भाव रहे, और छोटी छोटी बातों पर इस तरीके से अंतरंग में दुख उत्पन्न न हो, तभी जाकर के समाज में ये वाली जो बात है, आज समाज के अंदर मैं देखता हूं अध्यक्ष के चुनाव, मंत्रियों के चुनाव इतनी बड़ी चीज हो गई है। पहले सालों साल व्यक्ति अध्यक्ष मंत्री बने रहते थे, पता नहीं पड़ता था, लेकिन आज ये चुनाव इतनी बड़ी चीज हो गई है कि कई जगहों पर मैंने देखा है, एक जगह पर तो मैं खुद जो है कहना चाहिए उसमें शामिल था, नहीं अब जो है सो बता रहा हूं, शामिल होने का मतलब एक व्यवस्था बनाई गई और वो व्यवस्था मेरे मुंह से निकल गई कि भाई ऐसी व्यवस्था मंदिर में होनी चाहिए, तो मैं उसमें शामिल हो गया। शामिल होने का मतलब ये हो, कहने का मतलब कि वो मेरे कहने से व्यवस्था बनी कि यहां पर सारी समाजों का एक जो है ग्रुप होना चाहिए, एक अध्यक्ष होना चाहिए, अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग है, ऐसी बड़ी जगह पर मैंने एक व्यवस्था बनाई, और उस व्यवस्था के बाद जो मुझे अनुभूति हुई, उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए, मैं कभी समाज की व्यवस्था के चक्कर में पड़ूंगा नहीं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए